हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और जोर शोर से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो कुछ लोगों का जो फिजिकल टेस्ट है वो आगे 30-31 तारीख में होने वाला है। अखंड पुलिस फिजिकल की जो टेस्ट चल रहे हैं उनसे संबंधित आयोग ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकाला है आज, तो वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आयोग की तरफ से हाल ही में एक जो है नोटिफिकेशन आया है, एक अपडेट आया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपका भी फिजिकल टेस्ट है यानी कि 28 के बाद, तो आप लोग जरूर देखिएगा। जिनका टेस्ट कैंसिल हुआ है उनसे भी संबंधित है और कैंसिल होने वाला है उनसे भी संबंधित है, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। एक एक चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली अपडेट हमारे पास ये है कि हरिद्वार में 30 मई को जिन लड़कियों का पुलिस फिजिकल टेस्ट होना था वो कैंसिल हो चुका है। आयोग ने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 30 मई 2022 को हरिद्वार में सोमवती अमावस्या स्नान होने के कारण कानून व्यवस्था व यातायात व्यवस्था की व्यवस्थाओं को के दृष्टिगत दिनांक 30/5/2022 को पुलिस लाइन रोशनाबाद हरिद्वार में निर्धारित 400 महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा इस तिथि को नहीं हो सकेगी। ठीक है, पहला अपडेट तो ये है। तो अगर 30 को नहीं हो पाएगी तो फिर कब होगी, ये भी आप जो है ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि उनका जो फिजिकल टेस्ट है वो होगा अब 16 जून 2022 को और उसी जगह होगा पुलिस लाइन जो है रोशनाबाद में। तो आप जो है वही एडमिट कार्ड लेके वहाँ पे जो टाइम है एग्जैक्ट उसी टाइम पे 16 तारीख को जाएंगे। ठीक है, तो पहली अपडेट तो हमारे पास ये थी। उसके लिए आपको जो है नया एडमिट कार्ड निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आयोग ने यहाँ पे साफ लिखा है आप उसी एडमिट कार्ड को लेके वहाँ पे जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली अपडेट तो हमारे पास ये थी, जो कि थोड़ी सी बैड भी है क्योंकि जिन लोगों की तैयारी अच्छे से रही होगी वो और 30 को एग्जाम था तो उनके लिए थोड़ा सा बुरा हमें लग रहा है। तो ले चलते हैं दूसरी अपडेट की तरफ, ले चलते हैं। दूसरी अपडेट हमारे पास ये है कि 23 और 24 जून को जो भी पुलिस फिजिकल के टेस्ट हुए हैं उत्तराखंड में, तो मौसम खराब होने की वजह से उस दिन काफी बारिश जो है हो गई थी। तो 23 और 24 में कुछ सेंटरों में जो है पुलिस टेस्ट जो है कैंसिल कर दिया गया था और उनके लिए जो आगामी तिथि है वो बिल्कुल भी निर्धारित नहीं थी अभी तक, तो वो भी निर्धारित हो चुकी है। तो वो आपको बताती हूँ मैं कि कौन कौन सी जगह में जो है किस किस तारीख को निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो उधम सिंह नगर में 46वीं वाहिनी पीएससी रुद्रपुर में जो सेंटर है वहां पे हुआ था 23 मई को जो फिजिकल टेस्ट कैंसिल हुआ था वो अब 10 जून को होगा। तो ध्यान दीजिए, यूएस नगर वाले उनका जून में होना है 10 को, और टिहरी गढ़वाल में जिनका हुआ था पुलिस लाइन चंबा में जिनका सेंटर तो है जिनका फिजिकल टेस्ट 23 को कैंसिल हुआ था वो अब 9 जून को होगा। तो वो लोग भी अपना वही पुराना एडमिट कार्ड लेके 9 जून को वहां पे पहुंच जाए। साथ में बागेश्वर जिले में जो 23 को कैंसिल हुआ था वो अब 4 जून को होगा, तो वो लोग भी सेम एज वेल अपना जो है एडमिट कार्ड एंड डॉक्यूमेंट्स लेके वहां पे पहुंच जाए 4 जून को। और देहरादून 24 को, यहाँ पे 24 को हुआ था, तो 24 को जो है जिनका फिजिकल टेस्ट कैंसिल हुआ था उनके लिए अभी कोई भी तिथि जो है निर्धारित नहीं की। जैसे हमारे पास कोई न्यू अपडेट आती है हम आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देंगे, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप लोगों का भी जल्दी होने वाला है फिजिकल टेस्ट, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगे तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, इसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब तो हमारे चैनल पे आपको ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।